विज्ञान और वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को सरल बनाया है। वैज्ञानिक प्रयोगों से लेकर आविष्कारों तक वैज्ञानिकों के कारण ही मानव जीवन सरल हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जिस उपकरण में आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे जो आवाज सुनते हैं, जिस पंखे, कूलर, एसी के नीचे आप बैठे हुए हैं, ये किस इंसान की सोच की देन है? यदि वो नहीं होते तो आज हम जो दुनिया देख रहे हैं वो ऐसे नहीं होती। उनके आविष्कारों ने दुनिया को बदल कर रख दिया। ये बिजली से चलने वाली मोटर, जनरेटर, इन सब की कल्पना करना भी मुश्किल होता। जी हाँ, हम एक ऐसे साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, जिनका बचपन बेहद गरीबी में यानी कि सलम में गुजरा। ना ही उनकी शिक्षा हो पाई, फिर भी अपनी इच्छा शक्ति व कल्पना शक्ति से वो विश्व को इतनी बड़ी खोज दे गए। हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक सर माइकल फैराडे की। उनके आविष्कारों से ही डायनेमो तथा इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण हुआ। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में न्यूविंगटन लंदन में हुआ था। उनके पिता जेम्स एक लोहार यानी कि ब्लैकस्मिथ का काम करते थे और ज्यादातर बीमार ही रहते थे। पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह पिता के बीमार होने के कारण फैराडे बस सामान्य स्कूली शिक्षा ही कर पाए। वह अपने पिता का काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने इसी दौरान पेपर बेचने का, डिलीवरी बॉय का काम भी किया। 13 साल की उम्र में घर खर्च चलाने के लिए वो बुक बाइंडिंग का काम करने लगे। इसी दौरान उनकी पढ़ाई में रुचि जगी। उनके पास जो बुक्स बाइंडिंग के लिए आती थी वो दिन में उन पर जिल चढ़ाते थे और रात को उनको पढ़ते थे। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उनके अंदर जुनून की शुरुआत हुई। वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते थे, इसीलिए हर कोई उन्हें बहुत ही अच्छा इंसान मानता था। उन्होंने 7 साल बुक बाइंडिंग के काम के दौरान साइंस की, खासकर इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत सी किताबें पढ़ी। 21 की उम्र होने के बाद फैराडे एक बड़ी दुनिया में जाने का ख्वाब देखने लगे। इसी दौरान उनके एक कस्टमर ने उन्हें एक शो का टिकट दिया। उस शो का नाम था साइंस फॉर द पब्लिक। उन दिनों साइंटिस्ट और उनके शो का बड़ा क्रेज होता था, जो आजकल फिल्मी स्टारों का होता है, क्योंकि तब तक सिनेमा की खोज नहीं हुई थी, तो इन साइंस शो में काफी भीड़ जुटती थी। इस शो के होस्ट थे हेम्फ्री डेवी, जो उस जमाने के जाने माने साइंटिस्ट थे। उन्होंने कई केमिकल एलिमेंट खोजे थे जैसे कैल्शियम व सोडियम। वो एक कमाल के शोमैन भी थे। अपने उस शो में हेम्फ्री डेवी इलेक्ट्रिसिटी का प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों को शो बहुत पसंद आ रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन फैराडे ताली नहीं बजा रहे थे, बल्कि उनकी कही हर बात को नोट कर रहे थे। उनके बाद उन्होंने इस लिखे हुए भाषण को बुक की शक्ल में लिख लिया। इस शो के बाद उनका साइंस के प्रति जुनून और भी बढ़ गया और वो साइंस की दुनिया में जाने का ख्वाब देखने लगे। हालांकि उनकी शिक्षा बहुत कम हुई थी, लेकिन किताबें पढ़कर उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के बल पर बहुत से प्रश्नों के आंसर खुद से खोजे। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने उस किताब का, जिसमें डेवी के भाषण लिखे थे, डेवी को देने के बारे में सोचा। इस बहाने वो डेवी से मिलना भी चाहते थे और उनके लायक कोई काम हो तो उसकी रिक्वेस्ट भी करना चाहते थे। डेवी को बुक तो पसंद आई, पर फैराडे को नौकरी के मामले में निराशा ही हाथ लगी और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके कुछ दिनों बाद ही जब डेवी एक केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनकी आंख में चोट आई, तो उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत महसूस हुई। जब कोई और नहीं मिला तो उन्हें फैराडे की याद आई और उन्होंने फैराडे को बुलाकर अपना असिस्टेंट रख लिया। अब उनके लिए साइंस के दरवाजे खुल चुके थे। वो डेवी की लैब में आकर बहुत खुश था। उस लैब में हेम्फ्री डेवी की जो भी नॉलेज थी, फैराडे वो सब लेने वाला था। फैराडे ने जल्द ही डेवी का काम संभाल लिया। साल 1821 की बात है, डेवी लंबे समय से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। वो जब भी एक वायर में से करंट को गुजारते थे तो साथ में रखी कंपस में हलचल होती, कंपस में मैग्नेट लगी होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हो रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में कुछ संबंध है। बिजली चुंबक पर असर डाल रही थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फैराडे को इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना एक चुनौती बन गया था और वो हर कीमत पर इसे सोल्व करना चाहता था। माइकल फैराडे ने अपनी कल्पना शक्ति से इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने 4 कंपस बिजली के एक वायर के चारों तरफ रखे और कंपस की दिशा को देखकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गोल घेरे में कोई चीज तार से बाहर निकल रही है और कंपास पर असर डाल रही है। उन्होंने यहीं से और आगे सोचा कि किसी कंपस को एक तरफ मोड़ने की बजाय
क्या वो किसी बिजली की तार को एक मैग्नेट के चारों तरफ घुमा सकता है? और उनका यह एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, और यही एक्सपेरिमेंट आज की सभी इलेक्ट्रिकल मोटर का आधार है। चाहे वो मोटर पंखे में, कूलर में, एसी में, हार्ड डिस्क में या किसी भी इक्विपमेंट में लगी हो, आज की लगभग सभी मशीनों में फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल होता है। फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट को उस समय के बहुत ही रेपुटेटेड साइंस जर्नल में पब्लिश करवाया। ये बात एम.पी. डेवी को अच्छी नहीं लगी, यूं कहें कि उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने फैराडे को इसी कारण ऑप्टिक फील्ड की लैब में काम करने को कहा, यानी कि टेलीस्कोप में लगने वाले लेंस को डिजाइन करने व समझने में। लेकिन फैराडे को इस फील्ड में रुचि नहीं थी, वो तो बचपन से ही इलेक्ट्रिसिटी में ही रुचि रखते थे। 4 साल वो ऑप्टिक में काम करते रहे, लेकिन बुरी तरह फेल रहे। 4 साल बाद वो दोबारा डेवी की लैब में लौटे, तभी डेवी की मौत हो गई। उसके बाद तो फैराडे को पूरा खुलकर काम करने का मौका मिलता है और वो सभी एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। 1821 में उन्होंने सारा बर्नार्ड से शादी की। वो अपनी पत्नी के साथ रॉयल इंस्टीट्यूशन में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं हुई। 1825 में वो रॉयल इंस्टीट्यूशन की लैब के निदेशक बने। इसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। दरअसल वर्ष 1820 में हैंस ओस्टेड ने यह खोज की थी कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा सकता है। तो इस आविष्कार से फैराडे को आइडिया आया कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है, तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी तो पैदा किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें तार की कुंडली यानी कि कोयल बनाकर मैग्नेट की चारों तरफ रखी, लेकिन कोयल में कोई बिजली उत्पन्न नहीं हुई। उसने अपने प्रयोगों को बार बार दोहराया, पर उन्हें हर बार नाकामी ही मिली। तंग आकर एक दिन उन्होंने कोयल को फेंकने के लिए मैग्नेट के पास से खींचा, तो उसी समय गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रिसिटी बनते हुए शो हुई। उस समय फैराडे को ज्ञात हुआ कि यदि कोयल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव स्पीड को चेंज किया जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसी को चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसी सिद्धांत पर उन्होंने 1831 में डायनमो यानी कि जनरेटर का आविष्कार किया। आज पूरे विश्व में इसी खोज के आधार पर बिजली पैदा की जाती है और मानव सभ्यता इतनी आगे बढ़ पाई है। लेकिन फैराडे यहां नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने एक और प्रयोग में पाया कि जब दो कोयल को साथ में रखा जाए व एक में करंट को पास किया जाए तो दूसरी कोयल में भी करंट पैदा होता है, क्योंकि जो पहला कोयल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जब दूसरे कोयल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें करंट बनने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार। और इसी सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं, जो हजारों वोल्ट करंट को कम वोल्ट में चेंज करके हमारे घरों में पहुंचाते हैं या कम वोल्ट को ज्यादा वोल्ट में बदलते हैं। 1833 में फैराडे ग्रेट ब्रिटेन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में रसायन विज्ञान के फुलरियन प्रोफेसर बन गए। 1848 व 1858 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को फैराडे ने अस्वीकार कर दिया। 40 साल की उम्र तक उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर मशीनों का आविष्कार कर लिया था। उनके प्रमुख आविष्कारों में फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे इफेक्ट, फैराडे केज, फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे पैराडॉक्स, फैराडे रोटेटर, फैराडे व्हील लाइन ऑफ फोर्स प्रमुख है। फैराडे के नाम इलेक्ट्रिक यूनिट भी हैं, जिनमें से एक फैराडे है जो इलेक्ट्रिक करंट को मापने में काम आती है, और दूसरी यूनिट फैराड जिससे किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी मापी जाती है। फैराडे ने केमिस्ट्री में भी बहुत सी खोजें की थी। उन्होंने बेंजीन की खोज की जिसका व्यापक पैमाने में इस्तेमाल होता है। साथ ही उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट भी दिया जिसका इस्तेमाल केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में होता है। बंसन बर्नर शुरुआती फॉर्म की खोज के साथ एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड और आयन जैसी टर्मिनोलॉजी की खोज का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। उन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिसमें 1835 व 1846 में रॉयल मेडल, 1832 और 1838 में कैपले मेडल, 1846 में रूमफोर्ड मेडल और 1866 में अल्बर्ट मेडल प्रमुख हैं। फैराडे हर साल क्रिसमस पर लोगों को भाषण देते थे और अपनी नई एक्सपेरिमेंट को लोगों को दिखाते थे। वो चाहते तो अपने आविष्कारों से बहुत से पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
फैराडे अपने आविष्कारों से मानवता को बढ़ाने में लगे थे। जब वो 49 साल के थे तब उनको मेमोरी लॉस और डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसके कारण उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। हालांकि वे पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें बड़ी कामयाबी इसके बाद भी हासिल हुई। 25 अगस्त 1867 को 76 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक ने अंतिम सांस ली, लेकिन इस मानव सभ्यता को हमेशा के लिए सांसें दे गई इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो आपको सर माइकल फैराडे, जिनकी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हुई लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के दम पर इतने बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, यदि उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई है और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें ही हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। धन्यवाद।